e हेलो नमस्ते नमस्ते और एक ब्लॉग को स्वागत करता हूँ वेलकम टू माय चैनल आज मैं गुंगा के बारे में बोल रहा हूँ गुंगा समझते है ना स्नेल बारे में स्नेल ब्लॉग बना रहा हूँ चलिए देखता हूँ स्मेल के बारे में क्या क्या जानकारी है स्मेल के बारे में ब्लॉग कैसे है चलिए गाइस नमस्कार दोस्तों आज मैं गुंगा का बारे में ब्लॉग बना रहा हूँ गुंगा मतलब समझते है ना स्नेल का बारे में इसको इंग्लिश में स्नेल कहता है ये आज हमारा घर का पास गुंगा आया था स्नेल गुंगा पूरा दुनिया में पाया जाता है गुंगा तो ज़मीन और पानी में दोनों में रहता है देखिए इसका चलने का स्टाइल कितना अच्छे से चलता है इतना स्लो से चलता है ये बहुत धीरे धीरे चलने वाला जीवी है ये पूरा दुनिया में पाया जाता है गुंगा का तो जीवित अवधि है वो छः साल से दस साल तक ये गुंगा जी सकता है स्नेल जो है ये आवरण जीव है देखो इसको थोड़ा टच करते देता हूँ इसका स्नेल का अंदर कैसे चला जाता है इसको जब भी खतरा महसूस होता है ये इसका स्नेल का अंदर ये छुपा देता है पूरा अंदर चला जाता है पूरा अंदर जाकर आपने आपको सेफ्टी कर देता है देखिए थोड़ा इसको टच कर देता पूरा अंदर चला जाएगा ये देखिए इसका ऊपर इतना अच्छा कठोर आवरण बना है देखिए अभी थोड़ा आ देखो वो कैसे अंदर चला गया वो अंदर चलने के बाद ऐसे पूरा अंदर छुपा देता है घूंगा का भोजन क्या है भोजन जो ये काता है पत्ता काता है और पुल को कहता है बहुत किसान को खेती में खेती में बहुत रहता है ये घूंगा देखिए इसका इसका आगे देखिए दो एंटीना दिख रहा है आपको इसका बड़ा में आंख रहता है छोटा में छोटा टेरे में ये गंदा महसूस करता है गाइस आज के लिए इतना है ब्लॉग कल के लिए फिर और एक ब्लॉग में मिलेगा प्लीज़ गाइस सब्सक्राइब कीजिए लाइक कीजिए शेयर कीजिए थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइस, थैंक यू प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए प्लीज़